Good morning, students. How are you? My subject is math, class 4th and 5th. Chapter 1st, revision. So, question number ये है, revision chapter से, question number 10. Find the difference of the following. हमें difference निकालना है, subtraction करना है, जिसे बोलते हैं घटाना. घटाना वैसे आप फोर्थ और फिफ्थ में है तो उम्मीद है सबको आते होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर ए है, दिया गया है 1, 10, 100, 1000, 5,232. नीचे है इसके 2,431. अब इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 में से मैं 1 निकालेंगे. या क्या है कि जो हमारा ऊपर वाले डिजिट है 5, 2, 3, 1, ऊपर वाले डिजिट से ही हमेशा नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं. ये नहीं नीचे वाले से ऊपर निकालने पर मैं देखू तो रॉन्ग कभी से नहीं होगा, हमेशा रॉन्ग ही रहेगा. तो हमेशा याद रखना ऊपर वाले ही नंबर से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 2 में से बन गया 1, 2 में से बन जाएगा 1, 3 में से 3 गया 0. अब 2 में से 4 जाएगा नहीं, और हम 4 में से 2 निकाल नहीं सकते क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जब 2 में से 4 जाएगा नहीं तो यहां से हम 1 बोरो लेंगे. क्या लेंगे, 1 बोरो. अब मैंने 1 बोरो ले लिया, 5 में से 1 निकल चला गया तो यहां कितना रह गया ऊपर 5 के ऊपर 4. अब 1 बोरो ले लिया मैंने, 1 आ गया और ये जो 2 है उसके पास चला गया, कितना हो गया 12. कितना हुआ 12, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2. इस प्रकार से अब डिफरेंस करेंगे. नेक्स्ट में से ये भी है, अब 4 में से 1 चला जाएगा 3. अब 3 में से 4 जाएगा नहीं तो क्या करना है, 1 बोर लेना है, यहाँ पे 1 ले लिया आपने तो क्या कितना 13. अब यहाँ पे 13 हो गया, जब 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 1 बोर लेंगे तो गया 13. अब 13 में से बोर गया 9, कितना बचा मेरा 9. अब यहाँ पे गया मेरा 6, अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 3. अब यहाँ पे है 6, 6 में से 2 गया 4. ऐसे ये 3, अब 7 में से हम 6 निकालेंगे 1 आएगा. यहाँ पे है 0, 0, बहुत से बच्चे करते हैं 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 0 निकाल के 3 देते हैं, वो हमेशा गलत रहता है, रॉन्ग रहता है. हमें ऐसा नहीं करना है, 0 में से ही हमें 3 निकालना है. नहीं निकलना है तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, एक उधार लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1, यहाँ पे आ गया. आप नेक्स्ट डिजिट है वो भी 0 है तो हम यहाँ से लेंगे 1, तो 9 में से बन जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से फिर इधर बन जाएगा तो लेगा यहाँ पे 10, यहाँ लेगा मेरा 9. तो 10 में से हम 3 निकालेंगे 7, और 9 में से 1 निकालेंगे 8, और 8 में से हम 5 निकालेंगे 3. पर एक 3 है यहाँ पे, अब 3 है 13, यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम बन लेंगे 13 हो गया. कितना हो गया 13, बनाया और 3 ये वाला 13, 13 में से यहाँ गया 4. अब यहाँ पे है मेरा 1 था, यहाँ पे 0 रह गया तो गया मेरा 10. अब 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे गया मेरा 9. तो 0 था यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से मेरे इधर बन दिया तो यहाँ पे रह गया मेरा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ रह गया मेरा 7, 7 में से 5 गया 2. इस प्रकार से हमें ये सब्ट्रैक्शन करने हैं, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रकार का अभी हम होमवर्क देंगे. ये भी होमवर्क हमें करना है क्लास बस की तरह, और जो है होमवर्क देंगे वो अलग करना है. ये बुक में आप कर सकते हैं चाहो तो, और होमवर्क है वो नोटबुक में भी कर सकते हैं. ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है. ये 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ये 4 है, चारों आपको जो घर पे होमवर्क में नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करने हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे. क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीप्लाई.
पहला इसको हिंदी में कहते हैं गुणा। गुणा हमें कैसे करने होते हैं, प्रतिकायन कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, ये बुक का क्वेश्चन है, जो बुक है तो आप बुक में भी घर पे कर सकते हैं होमवर्क, ये बुक में फिल कर सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो आप बुक में तो कंपलसरी है ही आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन के लिए गया है 7 × 4 = 24 × 4 का करना है। तो पहले हम 4 का वंस को जनवाले में करेंगे, मतलब 4 का 4 में करेंगे कि हमेशा मल्टीप्लाई हम वंस टेंस 100 के अनुसार करते हैं। पहले सबसे पहले वंस में करेंगे, उसके बाद टेंस में, फिर 100 में। ऐसा नहीं पहले 100 में कर दें तो गलत हो जाएगा, कि हमें सबसे पहले इसमें करना है वंस में करना है। तो 4 का करेंगे 4 टाइम 4 4 या 16 4 4 या 16 अब 16 है वंस 16 जो वंस 16 है उसका आप जो वंस पोजीशन है वो हम यहां लाते हैं, टेंस पोजीशन है वो हम कैरी पर ले जाते हैं। तो 16 का 6 यहां पर आ गया और जो मेरा वंस जो कैरी गया है वो 2 के ऊपर चला गया, टेंस में चला गया। फिर आ गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 में हम वंस कैरी गया वो प्लस कर देंगे तो गया मेरा 9 9 आ गया। अब इसमें 9 में कैरी गया नहीं, यहां पे कैरी नहीं लिखा है। 4 का हम 7 में करेंगे, 4 7 जा 28 4 7 जा 28 28 का 28 क्योंकि यहां पर आगे कोई डिजिट नहीं है तो पूरे में 28 दोबारा से b है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई है, 6 बन जा 6, ये भी सिंगल डिजिट है तो हम सीधा 6 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 6 का 6 करेंगे, 6 6 जा 36 36 की 6 आएगी करी जाएगी 3 करी 3 गई है। फिर आया 6 5 जा 30 6 5 जा 30 प्लस 3 तो गया मेरा 33 33। फिर है सी, अब इसमें 728 × 8 में मल्टीप्लाई से करेंगे हम। पहले हम 8 का 8 में करेंगे, 8 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे, 8 8 जा 64 भी 4 कैरी गई मेरी 6 8 2 जा 16 8 2 जा 16 16 प्लस 6 16 प्लस 6 तो गया मेरा 22 22 का 2 कैरी गई मेरी 2 8 7 जा 56 8 7 जा 56 तो 56 प्लस 2 58 इस बार से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है वही बता रहा हूं मैं, 9 से टेबल बढ़ गए हम 5 में, 9 5 जा 45 45 की 5 करी गई मेरी 4 9 2 जा 18 18 और 4 22 22 की 2 करी गई 2 9 3 जा 27 27 प्लस 2 29 इस प्रकार से इनको करते हैं और मैं ये बुक में भी भरने हैं और जो मैं होमवर्क दूंगा वो नोटबुक में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीप्लाई का मैंने आपको होमवर्क दिया है, एग्जांपल ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चन हमें आपको होमवर्क में करने हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन नोटबुक में। और जो मैंने क्लास वर्क दिया था वो आप बुक में ही कर सकते हैं, जो बुक अवेलेबल है तो, और बुक नहीं है तो आप नोटबुक में करेंगे। उसके बाद और होमवर्क एक छोटा सा है, आपको टेबल राइट करनी है और लर्न करनी है। क्या करनी है, टेबल राइट करनी है और लर्न करनी है 15 से लेकर 25 तक, कहां तक 15 to 25। और पेरेंट्स को घर पे 15 से 25 तक सुनानी भी है टेबल। थैंक यू।